अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शिमला मिर्च और बेसन की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ। तो चले आएँ इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिमला मिर्च और बेसन की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है 4 अदद शिमला मिर्च, जिसमें 3 जो हैं ग्रीन हैं और 1 मेरे पास रेड थी, मैंने वो ले ली है। आप चाहें तो सारी ग्रीन ले सकते हैं। इसके अलावा 1 जो है मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, 2 हरी मिर्चें ली हैं, उसे यूँ बारीक मैंने कट कर लिया है। साथ ही मैंने जो है एक छोटी प्याज लेके उसको भी बारीक जो है चॉप कर लिया है, और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है हींग, 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, और 1/3 टीस्पून जो है सौंफ है, और 1/2 टीस्पून ही ये मस्टर्ड सीड हैं। और जो मसालों में मैं शामिल कर रही हूँ, 1.5 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा पाउडर है, 1-2 टीस्पून मेरे पास सूखा धनिया है, 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट है, और इसके अलावा 1/2 टीस्पून अमचूर का पाउडर है, और ये है रेगुलर रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, और बेसन मैं ले दी हूँ 1/3 कप। तो चले आए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो अब एक पैन में जो है मैं 1 से 2 टीस्पून जितना ऑयल डालूंगी, और इसमें मैं बेसन डाल के अच्छा सा भूनती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बस अब बेसन डाल के इसको जो है हिलाते हुए अच्छा सा भूनूंगी, उस वक्त तक जब तक एक अच्छी सी खुशबू जो है आने लगे, तो उस वक्त तक इसको भूनती हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बेसन को भून के मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। पैन को धो के अब उसमें मैंने ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल हमारा गर्म होता है, तो फिर मैं आपको आगे दिखा। देख सकते हैं ऑयल में मैंने जीरा, हींग, मस्टर्ड सीड और सौंफ को डाल दिया है, और अब इन तमाम चीज़ों को जो है मैं अच्छा सा पकाती हूँ कि थोड़ा सा ये पक जाए, तो फिर हम जो है इसमें प्याज को ऐड करेंगे। तो ये थोड़ा सा पकता है तो प्याज ऐड करते हैं। अब जो है इसमें प्याज को मैंने शामिल कर दिया है, और इसको जो है हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको पका लूँगी। तो इसको जो है थोड़ा सा पकाती हूँ और फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि प्याज जो है अपना कलर चेंज करने लगा है। तो बस इसमें मैं शामिल करती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को मैंने शामिल कर दिया है, इसको थोड़ा सा भून लेते हैं कि इसकी रॉ स्मेल जो है लहसुन अदरक की चली जाए। फिर इसमें जो है टमाटरों को शामिल कर दूँगी। इसमें जो है टमाटर और हरी मिर्च को भी शामिल कर दिया है, इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, और साथ ही इसमें तमाम ड्राई मसाले जो है अपने शामिल कर देते हैं। अब हमने ड्राई मसाले भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, और इसको जो है थोड़ा सा भून लिया है, और अब इसमें हम जो है शिमला मिर्चों को मिला लेते हैं। अब ये आपने देख सकते हैं शिमला मिर्ची डाल के, और इसको जो है अच्छा सा मैं मसाले के साथ भून लेती हूँ। इसको अच्छा सा भून लेने के बाद फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। अब इसमें जो है मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, हल्का सा, बिल्कुल मामूली सा, 1-2 चम्मच के करीब, ज़्यादा नहीं इसमें पानी डालना। ये डाल के और अच्छा सा ज़रा इसको मैं भून लेती हूँ कि ताकि मेरे मसाले जो है और शिमला मिर्च जो है अच्छी से कुक हो जाए और जले भी ना। तो इसको मैं पकाती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि शिमला मिर्च जो है अच्छी सी कुक हो गई है। तो बस इसमें जो है भुना हुआ बेसन शामिल करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि अब मैंने बेसन शामिल कर दिया है, और बेसन के साथ भी इसको मिला के अच्छा सा भून लेती हूँ। और इसको जो है अच्छा सा भूनने के बाद जो है इसको ढक के मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको पकने देती हूँ, और उसके बाद जो है फिर मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो इसको जो है पहले अच्छे से मिक्स करके भूनती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इसको जो है मैंने बिल्कुल लो हीट पे ढक दिया है, और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल मध्यम आंच पे मैं इसको पकने दे दूंगी, और उसके बाद जो है फिर मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊं। देख सकते हैं हमारी मज़ेदार जो है शिमला मिर्च बेसन की सब्जी बनके तैयार है। मैं इसको करती हूँ डिश आउट, और फिर मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही मज़ेदार बेसन और शिमला मिर्च की सब्जी बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ आप दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।